हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि टैली का डाटा हम वापस कैसे ला सकते हैं, या फिर आपको पता है कि टैली का हम बैकअप कैसे बनाते हैं, या आपको पता है कि अगर हमारी विंडो क्रैश हो जाए तो हम टैली का डाटा, अगर हमने बैकअप फाइल बना रखी है, तो वो वापस आ सकता है। इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के जरिए। तो इस पूरे वीडियो को आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी और आप इसमें सीख पाएंगे कि टैली का एक प्रॉपर बैकअप कैसे ले सकते हैं, वो भी दो तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक कंपनी वो जो मैंने बनाई थी उसका बैकअप का री वो डिलीट करके। तो देखिए, मैं इसमें गया सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद मैंने A2Z के नाम से जो कंपनी थी, AKZ, उसको सिलेक्ट करा। Alt F3 प्रेस करा, ऑल्टर पर गया। ऑल्टर पर जाने के बाद ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें और दो बार एंटर प्रेस कर दिए, ये हो गए डिलीट। ठीक है, अब मैं आपको सिलेक्ट में जाके दिखाऊंगी, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगी इस बैकअप का क्या यूज़ होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब यहाँ पर AKZ के लिए A2Z जो भी फाइल थी वो आपकी देखिए नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस में जैसे आपको आपका डाटा चाहिए वापस, तो इस केस में क्या होगा? सपोज करो ये स्थिति आपके सामने आ गई, या एक भी आपकी कंपनी नहीं शो कर रही है, तो आपको अब क्या करना होगा? अब आपको क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर का, आपको रिस्टोर वाले ऑप्शन पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सोर्स, डेस्टिनेशन तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सोर्स में आपको वो जगह आपको लिखनी होगी जहाँ आपने फाइल को सेव किया था। तो जैसे मैं डी में करा तो कॉलन लगाने जरूरी है। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो डी में जितनी भी कंपनी का बैकअप रखा होगा वह सामने आपके आ जाएगा। तो देखिए, मैं AKZ लिमिटेड का बैकअप रख रखा था, इसलिए वो वापस आ सकती है। अब इसको आपको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, और अगर दूसरे का भी बैकअप चाहिए तो वो भी ले लीजिए, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब देखिए, इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए, मैंने आपको दिखाई थी पहले तो मेरी कंपनी नहीं आ रही थी, अब जब मैं सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा तो देखिए आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल का दिखा रहा हूँ, अब सामने आपके आ जाएगा। देखिए अभी इसमें देखिए ये आ गई AKZ लिमिटेड, देखिए ओपन भी कर रहा हूँ मैं, इसका स्टॉक भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए सारी आपकी कंपनी तैयार है, तो ये ऐसे आपका बैकअप आ सकता है। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है बैकअप लेने का, ये कुछ लोग जानते होंगे, अगर अच्छी तरीके से टैली सीख चुके हैं तो वो लोग जानते होंगे ये मेथड। दूसरा मेथड होता है कि आपको जैसे इसकी लोकेशन पे जाना है, पहले तो आपको सबसे पहले ऑल टैब बंद करके सिलेक्ट कंपनी में जाना है। सिलेक्ट कंपनी में जाकर अपनी कंपनी का कोड देखना है। देखिए जैसे कंपनी का कोड मेरा 10027 है, ये कोड देखने के बाद आपको ये जो पाथ आ रहा है ऊपर, ये जो आपका पाथ आ रहा है इसमें, ये आपको देखना है सी यूजर पब्लिक टैली ERP9/data, इस जगह पे आपको जाना है। अब देखिए जाने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके जाना है। आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, सी में जाना है। सी में जाने के बाद आपको यूजर्स में जाना है। यूजर्स में जाने का आपको पब्लिक में जाना है। पब्लिक में जाने के बाद आपको टैली ERP9 में जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा होगा, डाटा के अंदर सारी जो आपकी कंपनी होंगी जो टैली में बन रखी हैं वो सारी आपके सामने यहाँ मौजूद हो जाएंगी। अब इसमें कंपनी का कोड आपसे पहचान होगी, तो मेरा ये था 10027, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल कॉपी करके मैं इसको क्रॉस करके और इसे कहीं भी हम मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेव कर ली, अब ये मेरे पास डाटा आ गया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन नहीं होगी। अब इस केस में क्या करना है, जैसे आपके पास अगर ये बनी हुई है तो आप इससे भी बैकअप ले सकते हैं, तो वो कैसे लेंगे वो दिखा दे रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सपोज करो आपकी ये कंपनी, मैं डिलीट करके दोबारा से दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको लाइव दिख जाए। जैसे ये मैंने कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद Alt F3 करना है। ऑल्टर फिल करने के बाद ऑल्टर पे जाके इसको कंपनी को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे सामने ये कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में आपको दूसरे मेथड से कैसे वापस लानी है तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है उस लोकेशन पे जहाँ आपने अपनी ये फाइल को सेव किया है। सपोज करो मैंने सेव करा है यहाँ पर डी में। डी में करने के बाद देखिए ये वाला था, इसको मेरे को कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद आपको इसको क्रॉस करके माय कंप्यूटर में जाना है, फिर आपको उस लोकेशन पर जाना है जहाँ टैली पड़ी हुई है। सी यूज़र पब्लिक टैली ईआरपी 9 और डाटा, डाटा के अंदर यहाँ पर देखिए 10027 के नाम से कंपनी नहीं होगी। देखिए लास्ट आपकी ये है, अब मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए वो आप यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद जब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टैली में, देखिए मैं सिलेक्ट में गया, सिलेक्ट में जाने के बाद देखिए अब मेरे सामने ये कंपनी आ गई। देखिए ये 11027 नाम से आ गई, और ये देखिए इसका स्टॉक भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। यही मेरी वही कंपनी है जो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है, तो आप इसका यूज़ करिएगा, और कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और चलते चलते एक चीज़ और ध्यान में आ गई मेरे कि आपको क्या करना है, जैसे आप कहीं वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने के बाद आपको रोजाना का बैकअप रखना है वहाँ पर, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, जैसे मेरा बैकअप बन चुका है, मैंने 4-5 एंट्री और पास कर दी, और हर दिन का मेरा ये रहेगा रूटीन कि मैं ऑल्ट F1 करूँगा। ऑल्ट F1 करने के बाद मैं रिस्टोर पर जाऊँगा, रिस्टोर पर जाने के बाद मैं जो अपनी कंपनी हुई अभी सोर्स वगैरह से ऑटोमेटिक आपका आएगा, पहले से आपको अपनी कंपनी पे एंटर प्रेस करना है और एंड ऑफ लिस्ट करना है। इसके बाद आपसे ये देखिए ये दिखाएगा कंपनी नंबर 102 ऑलरेडी एक्सिट, मतलब ये उस जगह पर पड़ी हुई है, तो आपको सिंपली बाय प्रेस करना है, ओवरराइड कर देना है, मतलब जो कल की एंट्री थी वो तो कल की रहेंगी आपकी, जो आज आपने कर दी है वो भी आपके सामने उसमें ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको बाय प्रेस कर दीजिएगा और ये आपका सेव हो गया। रोज रूटीन आपको यही करना है, तो आपका लेटेस्ट उसमें अपडेट होता रहेगा जो आपने अब एंट्री पास करी होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।